दोस्तों हर साल बॉलीवुड में कितनी हजारों फिल्में बनती है और हर हफ्ते रिलीज भी होती है। अब तो OTT प्लेटफॉर्म आ गए हैं, तो थिएटर्स में तो रिलीज होती ही है, लेकिन साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म पर भी ढेर सारी फिल्में, वेब सीरीजें बनती है और रिलीज होती है। लेकिन दोस्तों इनमें से कई फिल्में ऐसी हैं जो सिर्फ कागज़ों पे रह जाती है, यानी कि फिल्म अनाउंस होती है या रुक जाती है, शूटिंग होती है थोड़ी सी फिर रुक जाती है, या फिर सिर्फ स्टारकास्ट अनाउंस होती है लेकिन फिल्म बन नहीं पाती है। तो आज हम कुछ ऐसी ही फिल्मों के बारे में बात करने वाला है। मैं आपको बताऊंगा बॉलीवुड की कुछ फिल्में जिसकी शूटिंग शुरू हो गई, बाद में रुक गई, जिसकी शूटिंग शुरू ही नहीं हुई, और जो कई कई फिल्में पूरी की पूरी बन गई लेकिन रिलीज नहीं हो पाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। पहली फिल्म है रेखा और अमिताभ की फिल्म अपना पराया, जो रेखा और अमिताभ की जोड़ी की पहली फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग दोस्तों तकरीबन 2 महीने तक चली थी, बाद में इस फिल्म की शूटिंग बंद हो गई और फिल्म चली गई डिब्बे में। अब बंद होने का रीज़न क्या है वो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन ये अमिताभ और रेखा की पहली फिल्म हो सकती थी। दूसरे नंबर पर है सरफरोश। जी हाँ, सरफरोश वही आमिर खान वाली नहीं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, कादर खान, शक्ति कपूर और परवीन बाबी जैसे बड़े कलाकार थे। यह फिल्म मनमोहन देसाई बनाना चाहते हैं। इस फिल्म की शूटिंग भी दोस्तों तकरीबन 15 दिन तक चली थी, लेकिन बाद में यह फिल्म की शूटिंग बंद कर दी गई और फिल्म चली गई डिब्बे में। तीसरे नंबर पर है खुदा गवाह। इस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे। आपने एक फिल्म देखी होगी खुदा गवाह, जिसमें श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन है। वो फिल्म तो दोस्तों रिलीज़ हो गई है, लेकिन ये जिस फिल्म की बात मैं करने वाला हूँ उसमें भी अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे और इस फिल्म का नाम भी खुदा गवाही था। इस फिल्म के बारे में तो दोस्तों आपने कई बार सुना भी होगा कि ये फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई थी। इस फिल्म की शूटिंग दोस्तों 10 दिन तक चली थी, लेकिन बाद में शूटिंग बंद कर दी गई और फिल्म चली गई डिब्बे में। चौथे नंबर पर है रमेश सिप्पी की ज़मीन फिल्म। रमेश सिप्पी जी एक बहुत बड़े पैमाने पर यह फिल्म बनाना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि इस फिल्म का जो बजट है वो उस वक्त बहुत ही बड़ा, और इस फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो इस फिल्म में विनोद खन्ना, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी जैसे बड़े बड़े कलाकार थे। फिल्म की शूटिंग लगभग 30% तक कंप्लीट हो गई थी, लेकिन बाद में बजट ना होने की वजह से फिल्म को बंद करना पड़ा। पांचवें नंबर पर है टाइगर, सलमान खान की नहीं। यह फिल्म भी अमिताभ बच्चन की थी, इसका नाम था टाइगर। अब इस फिल्म बंद होने की वजह बताई जा रही है कि एक्टर अमिताभ बच्चन और प्रोड्यूसर दोनों के बीच कुछ कहासुनी हो गई थी। फिल्म की शूटिंग 10-15% हो गई थी, लेकिन बाद में एक्टर प्रोड्यूसर के बीच कहासुनी हो गई और फिल्म बंद करनी पड़ी और फिल्म चली गई डिब्बे में। इस तरह की दूसरी फिल्म अमिताभ बच्चन की है देवा। इस फिल्म को सुभाष घई बना रहे थे। इस फिल्म का रीजन भी यही था, सुभाष घई और अमिताभ बच्चन के बीच कहासुनी हो गई और फिल्म की शूटिंग तो कुछ दिन चली, लेकिन कहासुनी होने के बाद यह फिल्म बंद हो गई और फिल्म डिब्बे में चली गई। फिल्म का नाम था देवा। अब आगे की जो फिल्म है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, यह फिल्म बन के पूरी तरह से तैयार हो गई थी लेकिन रिलीज नहीं हो पाई। यह फिल्म भी अमिताभ बच्चन की ही थी, इसका नाम था बंधुआ। इस फिल्म के मेकर थे JP दत्ता और लीड रोल में थे अमिताभ बच्चन और पूजा बेदी। यह फिल्म दोस्तों पूरी मेहनत से बनाई गई और पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन रिलीज नहीं हो पाई। अब क्यों रिलीज नहीं हो पाई इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन यह फिल्म एक फिल्म ऐसी थी दोस्तों जो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी लेकिन रिलीज नहीं हो पाई। आगे की फिल्म है शेखर कपूर की टाइम मशीन। यह फिल्म एक बॉलीवुड से प्रेरित थी, जिसमें आमिर खान, रवीना टंडन और नसीरुद्दीन शाह जैसे दिग्गज कलाकार थे। फिल्म की शूटिंग दोस्तों 45% कंप्लीट हो गई थी,
लेकिन फिल्म शूटिंग बंद करनी पड़ी और फिल्म चली गई डिब्बे में। अब इसके पीछे रीज़न ये बताया जा रहा है कि फिल्म की जो शूटिंग है वो काफ़ी धीमी चल रही थी और लंबे समय तक चली थी, तो इसलिए शेखर कपूर ने इस फिल्म का वेट नहीं किया और वो दूसरे बड़े प्रोजेक्ट में बिजी हो गए और इसीलिए इस फिल्म को बंद करना पड़ा। अगली फिल्म है विधु विनोद चोपड़ा और राजकुमार हीरानगी, मुन्ना भाई चले अमेरिका। दोस्तों 2007 में इस फिल्म का एक छोटा सा ट्रेलर टीजर आया था, आपने अगर देखा हो, नहीं देखा हो तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। इस फिल्म का टीजर रिलीज तो कर दिया गया था, फिल्म भी अनाउंस हो गई थी, पोस्टर भी बन गए थे, लेकिन फिल्म बन नहीं पाई। उसका रीज़न था कि 2007 में संजय दत्त जेल चले गए थे, उसके बाद इस ये प्रोजेक्ट थे वो पड़ा ही रहा। फिर संजय राजकुमार हीरानी और विधु विनोद चोपड़ा ने इस पर काम ही नहीं किया। आगे की जो फिल्म है वो है अनुराग कश्यप की। यह फिल्म दोस्तों पूरी तरह से बन गई थी और सेंसर में चली गई थी, लेकिन रिलीज क्यों नहीं हो पाई इसका कारण मैं आगे देने वाला हूँ। लेकिन फिल्म का नाम है पांच और यह फिल्म अनुराग कश्यप ने बनाई थी। इस फिल्म में दोस्तों भर भर के खून खराबा और भर भर के ड्रग्स वाले सीन थे, तो सेंसर बोर्ड ने इसे बोला कि अगर फिल्म को पास कराना है तो ड्रग्स वाले सीन और खून वाले सीन फिल्म में से हटाने पड़ेंगे। लेकिन अनुराग कश्यप ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बोला कि अगर ये सब सीन इस फिल्म में से हट गए तो फिल्म लगेगी आधी अधूरी, तो इसीलिए अनुराग कश्यप ने इस फिल्म को रिलीज ही नहीं किया। और अगली फिल्म है जॉनी वॉकर, जो सुजीत सिरकार बना रहे थे, लीड रोल में थे अमिताभ बच्चन। इस फिल्म के दोस्तों जो राइट्स है वो यूटीवी मोशन को बेच दिए थे, फिर यूटीवी ने इसका नाम चेंज कर दिया और सुबाइट कर दिया। लेकिन बाद में दोनों प्रोड्यूसर और दोनों प्रोडक्शन हाउस के बीच एक लीगल एक्शन हुआ, केस लंबा चला, लंबी कानूनी कार्यवाही चली और फिल्म बन नहीं पाई, और जितनी भी बनी थी वो फिल्म को छोड़ दिया गया और फिल्म चली गई डिब्बे में। तो दोस्तों ऐसी तो बहुत सारी फिल्में हैं बॉलीवुड में जो बन नहीं पाई या फिर थोड़ी सी बनी या डिब्बे में चली गई, लेकिन ये मैंने यहाँ पे सिर्फ आपके सामने 10 या 11 फिल्में ही रखी थी, मैंने लिस्ट अलग बनाई थी और आपके सामने पेश की। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद।